गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। होपफुली आपने पहला पार्ट समझ लिया होगा, उसमें मैंने आई की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताया था। अब हम बताएंगे आई के डिफेक्ट, यानी कि आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम जो है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये तो जैसे कि नाम से लग रहा है कि नियर साइटेडनेस यानी कि नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती होंगी उस पर्सन को, लेकिन ये गलत है। जो नियर साइटेडनेस डिजीज़ है उसके अंदर पर्सन को दूर वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मैंने बताया था बच्चों, यानी सेपरेट करके। कई बार क्लास में ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है अपनी बुक तो नॉर्मल तरीके से पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें होती हैं वो अक्षर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, या दिखाई तो देते हैं लेकिन सेपरेटली दिखाई नहीं देते, और वो उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। उससे क्या होगा, हेडेक हो जाएगा और आँखें दर्द होंगी और चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये डिफेक्ट बच्चों छोटी उम्र में भी, आजकल तो 3-4 साल के बाद शुरू हो जाता है, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आँखों की कैपेसिटी होती है। तो जिनको ये नियर साइटनेस हो जाती है उनको दूर वाली चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है, आपको बताया था मैंने, जो हमारे आई लेंस होता है क्रिस्टलाइन नेचर में होता है और उसको जो कंट्रोल करता है जो सिलेरी मसल्स करती है, उनके डिफेक्ट के कारण हो जाता है। इन मायोपिक द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि इस केस में जो इमेज है रेटिना से पहले बन जाती है, यानी रेटिना के ऊपर नहीं बनती। अगर रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी तो ये मैसेज जो है कन्वे नहीं होगा ब्रेन तक और पर्सन्स को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसका ये डिफेक्ट जो होता है इसका कारण क्या हो सकता है? इसका पहला कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि आई लेंस जो होता है उसकी कर्वेचर ज़्यादा बढ़ जाती है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब बच्चों लेंस बीच में से मोटा हो जाता है, यानी उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। जितना लेंस मोटा होता है बच्चों उतनी उसकी फोकल लेंथ कम होती है। फोकल लेंथ के बारे में आपने पिछले लाइट वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा, उसका वीडियो देखें आप तो उसके बारे में आपको विस्तार से पता चल जाएगा। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस के द्वारा ये डिफेक्ट राइज होता है। दूसरा रीज़न होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कई बार जो आई बॉल है वो भी एक्सेसिव इलोंगेट हो जाती है, जिसके कारण ये मायोपिया डिजीज़ हो जाती है। अब मायोपिया डिजीज़ का अगर मान लो हम रे डायग्राम देखेंगे तो रे डायग्राम में हमारे को कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखिए नॉर्मल आई के लिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज जो है क्या हो रहा है, इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है, उसको दिखाई दे रहा है। मायोपिक आई के लिए क्या हुआ कि ये दूर वाली जो चीज़ है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिफोर रेटिना से पहले ही बन गई, तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो इमेज है कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले ही बन रही है। तो अब इसकी करेक्शन कैसे होगी, ये अपने एक लेंस यूज़ करेंगे। ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस की क्या पहचान होती है, ये बीच में से पतला होता है, ठीक है ना। जैसे ये डिप्रेशन आपने देखा, ये वाला जो डिप्रेशन है ये बीच में से पतला है और साइड में से मोटा होता है, तो ये कॉनकेव लेंस की पहचान होती है। और लेंस वो होता है बच्चों जिनसे लाइट आर पार जाती है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को स्प्रेड करता है। तो जो इमेज हमारी रेटिना से पहले ही बन रही थी उस इमेज को रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ज़्यादातर जो बच्चे लेंस का जिसका इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकेव लेंस होता है, क्योंकि उनमें जो डिफेक्ट अराइज होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, मायोपिक ही होता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ की हम बात करेंगे वो है हमारी हाइपरमाइट्रोपिया और जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस भी कहते हैं।
पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी उसको दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी नज़दीक की चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती। ये ज़्यादातर बच्चों 40+ एज के बाद होता है, ऐसा नहीं है सभी को होगा लेकिन ज़्यादातर केस में 40+ के बाद आपने देखा होगा आपके टीचर्स जो है स्पेक्स यूज़ करते हैं, और जनरली इन स्पेक्स के जो लेंस होते हैं, ठीक है, ये कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें से अक्षर मोटे मोटे दिखाई देते हैं, तो आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, तो उन लेंस की हम यूज़ करके इस डिजीज़ की करेक्शन कर सकते हैं। तो सच अ पर्सन मे बी मे हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे आपको बताया था लिस्ट जो डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर किसी को हाइपरमाइट्रोपिया है तो उसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। कई बार सीरियल में आपने देखा होगा कि अखबार पढ़ते हैं और बहुत आँख से बहुत ज़्यादा दूर ले जाके पढ़ते हैं तो उनको सही स्पष्ट नज़र आता है, यानी कि आँख के नज़दीक रखेंगे तो उसको उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो वो हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित हैं। इन हाइपरमाइट्रोपिक आई द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, इसके केस में क्या होगा, जो रेटिना है रेटिना से पीछे बनेगी इमेज, ठीक है, एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। दिस डिफेक्ट मे बी अराइज, ये मायोपिया से अपोजिट हो जाएगा। लॉन्ग फोकल लेंथ, यानी इसमें फोकल लेंथ जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी बढ़ गई, एंड वेरी स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल। हाइपरमाइट्रोपिया को फिर बच्चों कैसे करेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो ये रे डायग्राम दिया हुआ है नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए देखो बच्चों जो नियर पॉइंट है वो नॉर्मल है, इमेज रेटिना पे बन रही है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है। हाइपरमाइट्रोपिक पर्सन के लिए यानी कि जो नियर पॉइंट था वो खिसक कर नज़दीक आ गया कि अब उसको 25 सेंटीमीटर था पहले, अब ये कम हो गया, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। सूटेबल फोकल लेंथ का मतलब किसी में ज़्यादा पावर का लेंस यूज़ होगा, किसी में कम पावर का यूज़ होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे। देन प्रिस बायोपिया, प्रिस बायोपिया एक ऐसी डिजीज़ है जो एजिंग के साथ होती हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, जैसे मैंने बताया था आपको क्रिस्टलाइन आई लेंस को कंट्रोल करने के लिए सिलेरी मसल्स होती हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज तो क्या होगा, धीरे धीरे सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी। अब सिलेरी मसल जब वीक हो जाएंगी तो उस पर्सन को नज़दीक की और दूर की दोनों चीज़ों को वो करेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। पीपल कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कम्फर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, दिट इज कॉल्ड प्रिस बायोपिया। ये क्या होगा, क्यों होगा, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिशिंग फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ आई लेंस। समटाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया, सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। तो उनको किस प्रकार के लेंसेज की जरूरत है, बाईफोकल लेंस, यानी कि ऐसे स्पेक्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें दोनों प्रकार के लेंसेज का इस्तेमाल होगा, उसमें कुछ इस प्रकार के लेंसेज होंगे जो नज़दीक वाला पॉइंट है यहाँ पे वो कौन से लेंस यूज़ करेगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और ये ऊपर वाले पोर्शन में कौन के, बता सकते हैं रीज़न, क्योंकि रीडिंग के लिए जब वो बंदा पढ़ाई करेगा वो पढ़ेगा तब क्या होगा, आईज़ को नीचे करना पड़ता है, तो आईज़ को नीचे करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस यूटिलाइज हो जाएगा, और अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो ऊपर वाला लेंस यूज़ हो जाएगा। इस प्रकार के जो लेंसेज होती हैं उसको क्या है? बोलते हैं बाई फोकल लेंस। तो इस प्रकार का इस्तेमाल करके हम प्रिस बायोपिया या जो डिजीज है एजिंग के साथ होती है दोनों प्रकार की, उससे हमारे को करेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो अब हम ग्लास